बांदा जनपद ग्राम पंचायत अलौना में आवाड़ा पावर प्लांट के द्वारा सरकारी चकरोड और ग्राम सभा की जमीन कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है, जिससे किसानों ने मंडलायुक्त से पावर प्लांट का कब्जा हटवाने की मांग की। यहां आपको बता दें कि ये पूरा मामला आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल कार्यालय का है, जहां ग्राम अलौना के दर्जन किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आए। चित्रकूट धाम मंडल आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। आवाड़ा पावर प्लांट का काम यहां चल रहा है, खेतों का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे धान की रोपाई बाधित है। धान रोपाई के लिए किसान परेशान है। ग्राम समाज की जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया है और अपने यार्ड और गनमैन भी लगा दिए गए हैं, क्योंकि किसानों को खेत जाने से रोक रहे हैं। ग्रामवासी उप जिलाधिकारी पैलानी को अवगत कराया गया है। इसके बाद चकबंदी लेखपाल और तहसीलदार पैलानी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि लेखपाल के द्वारा किसानों को धमकी दी गई। धमकी के बाद किसान परेशान हो गए। किसानों ने खेतों में जाने के लिए रास्ता दिलाए जाने की मांग उठाई है और इस दौरान सुमित ग्राम प्रधान आलोना, कौशल सिंह, सुधीर आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं आलोना ग्राम प्रधान हूँ। किस तरह की मांगों को लेकर के आप लोग आए हुए थे? हम लोग कमिश्नर सर के पास दो मांगे लेके आए हुए थे। पहली मांग हमारी ये है, जो हमारे गांव के अंदर हमारे एक पावर प्लांट बन रहा है, उसमें प्राइवेट एक हमारे आदमी आए हुए हमारे गाँव में, मुंशी सिंह नाम है, वो आके जो किसान लोग हैं उनके दबाव बना के दबंगी से उनके जो किसी भी कीमत में नहीं देना चाहते उनकी ज़मीन दबंगी से ले रहे हैं और बहुत कम रेट में ले रहे हैं। उसके बाद जो हमारी जीवन चौधरी ग्राम समाज की जमीन पर पड़ी हुई है उसको भी वो लोग अवैध कब्जा कर लिए हैं, कह रहे हैं हमें कहीं से आदेश, कोई आदेश उनके पास नहीं है। उसके बाद एक हमारा रास्ता है, सेक्टर है, जो पूरे गाँव को वहीं से खेतों के लिए जाता है, उसको उन्होंने बाधित कर दिया है, बैरियर लगा दिया है, कह रहे हैं यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं है। हमारी जो खेती है वो परती पड़ी जा रही है, हम लोग को खेती जोतने के लिए रास्ता नहीं है कोई, किसान लोग सब परेशान हैं। तब हमने इससे जाकर हमने SDM साहब को जानकारी दी थी, हमने जाके DM साहब को जानकारी दी, अब जाके लास्ट हम यहाँ आए हैं तो हमें कहीं किसी प्रकार का हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए थे, क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? हम सर ने कहा तीन दिन के अंदर आपको जानकारी दी जाए, तीन दिन के उन्होंने आश्वासन दिया कि तीन दिन में हम आपको वहाँ से रिपोर्ट ले रहे हैं, जैसे होगा हम आपको हेल्प करेंगे।